गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम टू कैडी क्लासेस। नई क्लास आपका 12 का बायोलॉजी और चैप्टर तीसरा चल रहा है, पार्ट टू ही वीडियो चल रहा है, जिसमें पार्ट टू करके 1, 2, 3 करके बना दिया हमने। इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, यानी इंडोस्पर्म का विकास कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में इंडोस्पर्म के विकास के बारे में बताया, आवृतबीजी और अनावृतबीजी दोनों में विकास इंडोस्पर्म का आगे पीछे होता है, यानी आपको उसमें निषेचन के पूर्व भी हो जाता है अनावृतबीजी में, और इसमें निषेचन क्रिया के बाद इसका विकास होता है, ये क्रिया होता है, इस चीज देखने को मिलता है। तो आपका इंडोस्पर्म जो होते हैं विकास की अवस्था के आधार पर हमने बताया आवृतबीजी पौधे में विकास की अवस्था के आधार पर ये तीन प्रकार होते हैं। इंडोस्पर्म तीन प्रकार होंगे, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और आपका हेलोबियल इंडोस्पर्म, जिसका मैंने हिंदी बताया था केंद्रकी इंडोस्पर्म, कोशिकी इंडोस्पर्म और आपका हेलोबियल मध्यकी इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म को कहते हैं हमें भ्रूणपोष, क्या कहेंगे? भ्रूणपोष कहलाएगा, यानी जो भ्रूण का पोषण करे उसे हम भ्रूणपोष कहेंगे। अर्थात भ्रूणपोष पूछा जाता है, भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में डिफरेंट पूछा जाएगा। अभी आपको हम आपको पूरे चार्ट के माध्यम से आगे वीडियो में बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द एम्ब्रियो सैक एंड इंडोस्पर्म, यानी डिफरेंट बिटवीन ऑफ द इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सैक में क्या डिफरेंट होता है, यानी भ्रूणपोष और आपके भ्रूणकोष में क्या अंतर है, उसका अंतर पूछता है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, भ्रूणकोष अलग होता है और भ्रूणपोष अलग होता है। तो हम दूसरा चीज पढ़ेंगे सेलुलर इंडोस्पर्म, यानी सेलुलर इंडोस्पर्म का विकास कैसे होगा वो चीजें आपको बताया जाएगा। जो आपको यहाँ पर लिखा हो डेवलपमेंट ऑफ द सेलुलर इंडोस्पर्म विकास कैसे होता है, देखिए क्या होता है इंडोस्पर्म में, यानी जो भ्रूणपोष होता है उसका फर्स्ट ऑफ जो आपका पहले इसमें फिगर नहीं दिए इसमें दोगुना देगा। सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए आपका इंडोस्पर्म है, इसमें आपका एक त्रिगुणित केंद्रक होता है, क्या होगा त्रिगुणित केंद्रक होगा, राइट? पहले क्या होगा त्रिगुणित केंद्रक का डिवीजन होगा, और जब डिवीजन होगा तो ये दो से भाग में बटेगा, एक से दो बट रहा है। डिवीजन होने के बाद जब दो भाग में बटेगा, बटने के बाद यानी इसका केंद्रक दो भाग में बटने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर आपका एक भीत का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी इसमें क्या होगा, आपका जैसे केंद्रक डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद क्या होता है आपका प्रत्येक डिवीजन के बाद उस पर क्या होता है आपका केंद्रक जो दो बनेगा दोनों के ऊपर क्या होता है आपका एक भीत का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी केंद्रक भीत का निर्माण हो जाएगा। जब केंद्रक भीत का निर्माण हो जाएगा देखा जाएगा तो ये एक कोशिका प्रकार हो गया, कैसा होगा उसका केंद्रक एक कोशिका टाइप हो गया। तो इसमें क्या आ जाता है आपका कई तरह आपके केंद्र डिवीजन होगा, प्रत्येक केंद्र के बाद कोशिका भीत बन जाएगी, एक भीत का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब भीत का फॉर्मेशन हो जाता है तब क्या होता है आपका कई कोशिका युक्त हो जाता है, कई कोशिका युक्त हो जाता है, अर्थात बहु कोश की भ्रूणपोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, देख रहे ना, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, एक, दो, तीन, चार, यानी क्या होगा आपका डेवलपमेंट होता जा रहा है। जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा तो आपका केंद्र डिवीजन होगा, केंद्र डिवीजन के साथ साथ क्या होगा उसमें भीत का फॉर्मेशन होगा, और भीत का फॉर्मेशन होने से क्या होता है इसमें बहु कोश की आप क्या होता है बहु कोश की आपका इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, बहु कोश की इंडोस्पर्म यानी मल्टी सेलुलर आपका इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसका नाम ना पड़ा है आपका सेलुलर इंडोस्पर्म, यानी कोश क्या बना रहा ना जी, पहले केंद्र डिवाइड हुआ, ठीक है, केंद्र डिवाइड होता ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या एक वाल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब वाल का फॉर्मेशन हुआ जस्ट लाइक सेल, जस्ट लाइक क्या हुआ सेल, जब ये भी सेल हुआ ये भी सेल हुआ तो एक देखा कि इस बॉडी के अंदर कई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब एक ही बॉडी के अंदर कई सेल बन रहे क्या हुआ मल्टी सेल हो गया। तो मल्टी सेल के आधार पर इसे क्या कहते हैं बहु कोशिकी इंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है, मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है, क्लियर है? अब देखिए ये जैसे विकास होता जाएगा पूरा आपका विकास तब तक होगा जब तक बहु कोशिकी पूरा इसके इंडोस्पर्म का एरिया जो होता है जब तक पूरा कवर ना हो जाए, ठीक है, तब तक विकास हो जाता है जब पूरा इंडोस्पर्म एरिया कवर हो जाता है, फिर इसमें कोशिका द्रव का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी आपका खाद्य पदार्थ जिसे कहते हैं पोषक पदार्थ का निर्माण हो जाता है, बढ़ जाता है। और पोषक पदार्थ निर्माण होने के बाद क्या होता है आपका इम्ब्रियो अंदर प्रवेश करता है और उसका पोषण विकास करता रहेगा इम्ब्रियो, और इससे पोषण लेता रहेगा, पोषण लेता रहेगा। बहरहाल इससे फिगर मैंने पूरा नहीं लिया, इसे आप पूरा कर लीजिएगा फिगर ऐसे बना करके, टाइम बचत की वजह से आपको क्या किया जाता है पहले फिगर ड्रा कर दिया जाता है, इसमें फिगर में कुछ छूट गया था तो आप प्लीज इसको ऐसे ड्रा कर लेंगे, ओके, इस तरह ड्रा कर लेंगे। तो ये क्या आपका पार्ट्स वाला यहाँ क्या है इम्ब्रियो है, क्या ये इम्ब्रियो, ये आपका इम्ब्रियो, क्या ये इम्ब्रियो ऊपर से मतलब इसके अंदर से प्रवेश कर रहा है, तो किस एरिया से प्रवेश कर रहा है आपका बीजांड द्वार से, कहाँ जा रहा है
बीजांड द्वार से, ओके। ये आपको ऊपर ये भाग क्या है, कौन सा है, बीजांड द्वार, जहां पर इम्ब्रियो अंदर रहेगा, ये आपका जाइगोट डेवलपमेंट करेगा तो इम्ब्रियो मिलेगा, इम्ब्रियो इसके अंदर आ रहा है, तो ये बीजांड द्वार है, कौन सा भाग है, बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार है, राइट। इसको फिगर उन्होंने बताया था इस तरह, अगर देखेंगे यानी जो आपका ये ओविल स्ट्रक्चर था ऐसे, राइट, ओविल स्ट्रक्चर था ना जी, तो यहाँ आपका जाइगोट था, ये आपका क्या था, आपका एंडोस्पर्म था, तो ये इसके अंदर जा रहा है, तो क्या है, ये बीजांड द्वारी भाग है, कौन सा भाग है, बीजांड द्वारी भाग है, तो इस तरह इसका विकास होता है। आइए किस प्लांट में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल खास करके ऐसी अवस्था, संयुक्त दलीय अवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, यानी इस अवस्था जिस प्रकार से इसकी अवस्था बनी है, ऐसे कंडीशन इस अवस्था को हम संयुक्त दली आपकी अवस्था कहलाता है, संयुक्त दली आपके विकास की अवस्था होती है, अर्थात संयुक्त दली जो आपके पौधे होते हैं उसमें ये देखने को मिलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैमोपिटैली, क्या कहते हैं हम, गैमोपिटैली, याद रखिए, क्या कहेंगे हम, गैमो, याद रखिए, गैमो पी टैली, क्या कहलाएगा, गैमोपिटैली, तो गैमोपिटैली आपके वर्ग में आपके पौधे में इस तरह को देखने को मिलता है, तो वर्ड आएगा गैमोपिटैली, संयुक्त दली, ठीक है, वर्ग देखने मिले किस प्लांट में होगा, खास करके धतूरा, क्या होता है, धतूरा, एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा, धतूरा, धतूरा में ये चीजें देखने को मिलेगा, धतूरा नाम सुनो जी, कनक कनक खाए जो कैसे हिंदी में है ना जी, तो अधिक धतूरा खाने से क्या होता है, आपका रोग में पागल बना जाता है, कोई धतूरा प्लांट में ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। विल लैरिसिया भी इसमें एक प्लांट होता है, विलैरिसिया, विल विल होता है, विल लैर सी या विलैरसिया, विलैरसिया भी प्लांट होता है जिसमें ये देखने को मिलता है, ओके, राइट नाउ नोट कर लीजिए इसे, आप बनाइए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं हम एलोवेरियल इंडोस्पर्म, ओके, तब तक नोट कीजिए आप। आइए नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरा लास्ट वाला एलोवेरियल इंडोस्पर्म, जिसे आप हिंदी में कहते हैं माध्यमिक बुड़कोष, क्या कहेंगे, माध्यमिक बुड़कोष। देखिए एलोवेरियल इंडोस्पर्म क्या होता है, एलोवेरियल इंडोस्पर्म आपका न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और सेलुलर इंडोस्पर्म का मिडिल फेज, मिडिल आपका फेज होता है, कौन सा फेज, मिडिल फेज, किसका फेज, यानी इन दोनों की मध्य की अवस्था एलोवेरियल कहलाती है, यानी जो हमने पढ़ाया आपका न्यूक्लियर और आपका सेलुलर इंडोस्पर्म बारे में पढ़ाया, इन दोनों की मध्य की अवस्था क्या कहलाती है, एलोवेरियल कहलाती है, यानी एलोवेरियल जिसे हम हिंदी में कहते हैं माध्यमिक, माध्यमिक मतलब मिडिल, तो मिडिल फेज, मिडिल फेज कहाँ है, इसका मिडिल फेज, इन दोनों की मिडिल फेज की अवस्था क्या कहलाया, आपका एलोवेरियल इंडोस्पर्म कहलाता है, क्यों कहलाता है, रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है आपका, इसका इंडोस्पर्म जो केंद्रक होगा, यानी त्रिगुणित जो केंद्रक होगा, वह त्रिगुणित केंद्रक का डिवीजन जब होगा, डिवीजन होने के यानी प्रथम विभाजन, यानी प्रथम केंद्र विभाजन होने के बाद आपका कोशिका विभाजन होता है, क्या हुआ, यानी कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा, सॉरी कोशिका भित्ति निर्माण, यानी आपका जैसे ये कोई केंद्रक हुआ, ये केंद्रक का एक से दो बना, अगर क्या बना, एक से दो बना, एक से दो बन गया, दो बनने के बाद क्या था, आपका इसमें कोशिका भित्ति का प्रथम, यानी प्रथम केंद्र डिवीजन के बाद आपका एक से जब दो बनेगा तो आपका कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसके बाद लगातार आपका केंद्र डिवीजन होगा, लेकिन कोशिका भित्ति का डिवीजन, कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात है, यानी एक पहली मर्तबा जब आपका द्वितीय केंद्र जो होता है उसका डिवीजन जब होगा तो एक से दो बनेगा, दो बनने के बाद क्या होता है उसमें कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका केंद्रक विभाजन तो होगा लेकिन आपका कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, तो इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहते हैं, एलोवेरियल इंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है, एलोवेरियल इंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है, बात समझ आ रही है, इसमें क्या था, सीधा सीधा केंद्र डिवीजन कई बार हुआ, परिधि का निर्माण नहीं हुआ ना जी, और चारों तरफ आ गए, राइट, कुछ का भित्त नहीं बना, नहीं इसमें क्या हुआ, आपका जैसे केंद्र डिवीजन हो रहा है कुछ का भित्त का फॉर्मेशन हो रहा है, केंद्र डिवीजन हो रहा है कुछ का भित्त का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसमें पहली बात हुआ जब केंद्र डिवीजन होगा त्रिगुणित केंद्र बटेगा तो उसके साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, लेकिन उसके बाद अब क्या होता है, केंद्र डिवीजन तो होगा लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनता है, इसीलिए इसे हम माध्यमिक इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, एलोवेरियल इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, जैसे ये आपका फिगर दिखाया गया, वन से देख रहे ना, बन तो रहा है आपका कई आपके क्या डिवीजन, लेकिन अब क्या हुआ आपका पार्ट एक ही बार डिवाइड हुआ, बार बार डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका जाइगोट है, क्या ये
जाइगोट कहिए या इम्ब्रियो कहिए, क्या कहेंगे हम? इम्ब्रियो और जाइगोट क्या कहते हैं हम? जाइगोट राइट कहलाता है, बना है। ओके कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा? एरीम्यूरस, क्या होता है? एरीम्यूरस नामक प्लांट होता है जिसमें ये देखने को मिलता है। किसमें? एरीम्यूरस, याद रखिएगा, ई आर ई एम यू आर यू एस, एरीम्यूरस प्लांट होता है। इस पौधे में आपको ये चीज देखने को मिलता है, इस तरह आपका इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओके राइट नाउ, तो ये आपका डिवीजन यानी विकास के डेवलपमेंट के आधार पर इंडोस्पर्म के टाइप्स होते हैं तीन प्रकार के, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हेलोबियल इंडोस्पर्म। ठीक है, और भी इसके कुछ विशिष्ट आपका इंडोस्पर्म होते हैं, यानी आपका स्पेशल करेक्टर्स आपके इंडोस्पर्म के होते हैं, तो हॉस्टोरियल होता है और भी होते हैं, चूसांग वगैरह करके होते हैं, तो उसको हम मास्ट पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये आप इस नोट कर लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके एनी डाउट्स? आई थिंक नहीं होना चाहिए, तो पढ़िएगा। थैंक यू, सी यू अगैन, हैप्पी नाइस डे, वेलकम।